और आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर। दरअसल वहां पर विधानसभा का घेराव करने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता जा रहे थे, लेकिन पुलिस की वहां पर सख्ती देखिए। पुलिस ने वहां पर कार्यकर्ताओं और नेताओं को रोका है बैरिकेड्स लगा करके, लेकिन कुछ कार्यकर्ता नेता बैरिकेड्स को तोड़ करके भी आगे पहुंच गए हैं। पुलिस का जबरदस्त पहरा आप देख सकते हैं, पुलिस के जवान वहां पर एक सुरक्षा घेरा बनाए हुए हैं और इस सुरक्षा घेरा को तोड़ने की कोशिश लगातार वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता कर रहे हैं। यहां पर देखिए पुलिस का जबरदस्त पहरा है, पुलिस की अच्छी खासी संख्या यहां पर दिखाई दे रही है, सुरक्षा बलों की तैनाती यहां पर जबरदस्त है, लेकिन फिर भी जो बीजेपी के कार्यकर्ता नेता हैं वो विधानसभा की ओर कूच करना चाहते हैं। यहां पर सुरक्षा घेरा आप देख सकते हैं, पीएससी को तैनात किया गया है, लेकिन यहां पर कार्यकर्ता जो हैं वो इस सुरक्षा घेरा को तोड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। विधानसभा घेराव के लिए पहुंचे बीजेपी के कार्यकर्ता, सैकड़ों की तादाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं की संख्या यहां पर दिखाई दे रही है। कभी ऐसा लगता है कि कार्यकर्ता पुलिस के पीछे धकेल देते हैं और कभी पुलिस के जवान कार्यकर्ताओं को पीछे धकेलने में कामयाब हो जाते हैं। ये तस्वीरें हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जयपुर से। यहाँ पर कार्यकर्ताओं का जबरदस्त जमावड़ा लगा हुआ है, कार्यकर्ता और नेता विधानसभा कूच कर रहे हैं और यहाँ पर सीधी एक तरीके से टक्कर हो रही है। हालांकि हिंसक का टक्कर नहीं है, लेकिन धक्का मुक्की रसाकशी की तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं जयपुर से सीधे। लोकेश नागर हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए सीधे जुड़ रहे हैं जयपुर से। लोकेश, ये क्या हो रहा है, बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता क्यों जाना चाहते हैं विधानसभा में? जी, राजस्थान में लंबे समय से लंबी बीमारी का प्रकोप है, जिसके चलते हजारों गायों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इसी को लेकर आज बीजेपी ने हल्ला बोल यात्रा निकाली है, जिसके तहत बीजेपी प्रदेश भर से कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी मुख्यालय से विधानसभा के लिए रवाना हुई और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ता विधानसभा के लिए रवाना हुए हैं। अभी बीजेपी कार्यालय से ये पूरा जो जलसा है ये निकला है। ये रसाकशी कहाँ चल रही है, धक्का मुक्की कहाँ हो रही है लोकेश? जी, ये 22 गोदाम फाटक पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उन्हें प्रशासन द्वारा रोका गया है। वहाँ हल्की एक पुलिस के बीच खेसान जरूर अभी हुई है, लेकिन जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बड़े नेता है वो अभी बीजेपी मुख्यालय के नजदीक है, वो पहुंचेंगे। उसके बाद जो पुलिस का जाब्ता है वो इन बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास करेगा। इसके लिए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं पुलिस प्रशासन द्वारा की गई है, चारों तरफ बैरिकेड लगाए गए हैं और भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। लोकेश, क्या इस मार्च की इजाजत ली गई थी बीजेपी की तरफ से कि वो इस मसले पर यहाँ पर विधानसभा का कूच करेंगे, विधानसभा कूच करेंगे? बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनके द्वारा इस पूरे प्रोटेस्ट का आह्वान किया गया था, हालांकि इसकी प्रशासनिक स्वीकृति सरकार द्वारा नहीं दी गई थी, लेकिन बीजेपी लगातार मुखर इस समय लंपी वायरस को लेकर है, क्योंकि पूरे प्रदेश में जिस तरह की स्थितियां रही, राजस्थान से शुरू हुई ये बीमारी अब प्रदेश देश के अलग अलग राज्यों तक पहुंच चुकी है, और राजस्थान की बात की जाए तो नहीं के बराबर यहाँ जो लंपी की रोकथाम के प्रयास सरकार के ओर से किए गए हैं, तो इसी को लेकर बीजेपी की नाराजगी है। दूसरी तरफ राजस्थान महिला अत्याचार के जो मामले बढ़े हैं, पिछले दिनों जिस तरह की घटनाएं राजस्थान में हुई थी, कानून व्यवस्था बिगड़ी है, उसको लेकर भी बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार सरकार को लेकर यह नारेबाजी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना। ठीक है लोकेश, हमारे साथ बने रहिए, हम तस्वीरें दिखा दे अपने दर्शकों को। ये सीधी तस्वीरें जयपुर से आ रही है, जयपुर में बीजेपी का झंडा आप देख सकते हैं, इन तस्वीरों में बीजेपी के कार्यकर्ता देख सकते हैं और यहां पर धक्का मुक्की हो रही है। दरअसल बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता विधानसभा कूच कर रहे हैं, लंपी वायरस और प्रदेश में यानी कि राजस्थान में कानून व्यवस्था के मसले पर गहलोत सरकार को घेरने की ये तैयारी है बीजेपी की तरफ से। सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष भी इस प्रदर्शन में, इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे, लेकिन फिलहाल हमारे सहयोगी लोकेश नागर बता रहे हैं कि वो इस जगह पर मौजूद नहीं है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लगभग लगभग बराबर की संख्या में कार्यकर्ता और पुलिस के जवान दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, और पुलिस के जवान इन कार्यकर्ताओं नेताओं को वहां पर रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लोकेश, बीजेपी के वरिष्ठ नेता कहाँ हैं, सतीश पूनिया कहाँ हैं, वो कब इस प्रदर्शन में शामिल होंगे, वो कब कूच करेंगे विधानसभा की तरफ? डेढ़ किलोमीटर लंबा ये काफिला है, जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ बड़े नेता शामिल है। इसमें बात की जाए पूरे राजस्थान के जो सांसद और विधायक बीजेपी के हैं वो मौजूद है, सतीश पूनिया जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो मौजूद है, और संगठन के तमाम कार्यकर्ता इस प्रोटेस्ट में कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा के लिए रवाना हुए। इसी लंबे जुलूस में अलग अलग
विंग बनाई गई है, आगे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है, उसके बाद किसान मोर्चा के कार्यकर्ता है, महिला मोर्चा के कार्यकर्ता है। तो बिल्कुल अंत में जो काफिले में है सतीश पूनिया और जो बीजेपी के बड़े नेता है उनका का वाहन चल रहा है, तो सतीश पूनिया मौजूद है इस पूरे कार्यक्रम में, लगातार नेतृत्व कर रहे हैं इस पूरे प्रोटेस्ट का। विशेष रूप से बात की जाए तो पूरे प्रदेश से कार्यकर्ता बुलाए और बीजेपी का ये कहा जा सकता है कि गहलोत सरकार के समय पूरे 4 साल में सबसे बड़ा प्रोटेस्ट, यदि किसी को कहा जाएगा तो ये प्रोटेस्ट सबसे बड़ा है बीजेपी की ओर से, जिसमें इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को बुलाया गया और सरकार को सड़क पर घेरने का यह प्रयास किया गया है। तो जबरदस्त भीड़ है और लगातार सरकार के खिलाफ जो नारेबाजी हो बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही है। आप देखने वाली बात होगी कि विधानसभा के जब नजदीक ये काफिला पहुंचेगा और प्रशासन रुकेगा तो किस तरह की स्थितियां यहां बनती हैं। लोकेश बने रहिए, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। यहाँ पर देखिए धक्का मुक्की की तस्वीरें सामने आ रही है। यहाँ पर हिंसक विरोध प्रदर्शन तो नहीं हो रहा है, हिंसक तरीके से यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं, और ये जो कहा जा रहा है कि फ्रंट में सबसे आगे बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं और वो इस तरीके से पुलिस के सामने डटे हुए हैं और आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस कि जो जवान हैं उनकी तादाद भी अच्छी खासी यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक सुरक्षा घेरा है, बैरिकेड्स तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ से हटा दिए गए हैं, बैरिकेड्स वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन पुलिस के जो जवान हैं उन्होंने एक सुरक्षा घेरा बना रखा है अपना, और उस सुरक्षा घेरा से आगे किसी को जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। रस्साकशी वहाँ पर लगातार जारी है, वहाँ पर धक्का मुक्की की तस्वीरें सामने आ रही हैं।